हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। बच्चों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं सौरभ राजा से। बच्चों, इन्होंने नीट एग्जाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है और नीट 2021 में इनके 695 मार्क्स आ रहे हैं और इनकी रैंक है 249। तो सौरभ राजा ने बहुत ही मेहनत से ये बढ़िया स्कोर और रैंक जो है वो अचीव किया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ। सौरभ, क्या तुम बता सकते हो बच्चों को कि आखिर जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर के गए, आखिर स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? सबसे पहले तुमने किस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट की थी? थैंक यू सर। मैंने 11th से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी नीट की। तो पहले मैं 11th में पूरा एक्सप्लोर करता था कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है, क्या सही तरीका होगा। तो उसके बाद हाफ सेशन तक आते थे, मुझे आइडिया हो गया कि फिजिक्स में कैसे पढ़ना है। तो फिजिक्स में मैंने शुरू से ही काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी स्ट्रांग हो गया था मेरा फिजिक्स शुरू में। मैं कई बार नोट्स रिवाइज करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था फिजिक्स में। तो उससे क्या हुआ कि मुझे लास्ट के एग्ज़ाम में ये इशू नहीं हुआ कि फिजिक्स ज़्यादा रिवाइज करना है या फिर कोई टॉपिक छूट रहा है। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि बायो और केमिस्ट्री मैंने काफ़ी टाइम दिया, मल्टीपल रिविजन करे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में कई सारे एक्सेप्शन होते हैं तो वो याद नहीं होते, तो उसकी वजह से मुझे लास्ट में टाइम मिला तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा सौरभ, क्या लगता है बच्चे जो तुम्हारी तरह से स्कोर करना चाहते हैं, क्या तुमको तुमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि मेरा जो है वो इतना स्कोर आना चाहिए, 695 आना चाहिए? सर, मैंने जब शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना मार्क्स आएगा, लेकिन जैसे लास्ट तक आते आते मैंने मॉक टेस्ट में मेरे इतने मार्क्स आते थे, 705 710 भी आते थे कभी कभी, तो मुझे उम्मीद तो थी कि इतना मार्क्स आएगा, पर पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना मार्क्स भी आ सकता है। तो क्या लगता है सौरभ, जो बच्चे तुम्हारे जूनियर हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो उनको क्या मेन डिफिकल्टीज हैं जो फेस करते हैं वो, और उसका क्या सॉल्यूशन तुमको लगता है? सर, सबसे मेन डिफिकल्टी तो मुझे जो लगी वो थी कि पेपर करते टाइम या फिर कभी भी टेस्ट में मार्क्स कभी बहुत डाउन चले जाते हैं या फिर कभी एक्सपेक्टेड आते हैं। तो अगर मार्क्स कम होते हैं तो उस टाइम पे पैनिक होने से कुछ नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है कि पेपर एनालिसिस करना। तो मैंने भी पेपर एनालिसिस करी, जितनी भी गलतियाँ थी उसको बार बार रिपीट नहीं किया कभी, इससे मेरे स्कोर बढ़ते गए और लास्ट तक आ जाते, काफ़ी अच्छा हो गया सब कुछ। और जैसा कि नीट स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स हमेशा टफ रहती है, तुमने भी शायद फेस किया होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी फिजिक्स में, तुमने कितना स्कोर किया? सर, फिजिक्स तो मतलब मेरे सिली मिस्टेक हो गए पेपर में, फिजिक्स में मेरे कम रह गए मार्क्स 160, पर मैं मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करता था फिजिक्स में, 180-175 जनरली स्कोर करता था मैं। तो फिजिक्स में मेरा क्या था कि मैं नोट्स पढ़ता था क्लास में, ध्यान से सुनता था और मल्टीपल टाइम रिविजन करता था नोट्स के, और प्लस मैं क्वेश्चन भी काफ़ी प्रैक्टिस करता था। मैंने शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी तो लास्ट में मुझे दिक्कत नहीं हुई फिजिक्स में। वेरी गुड, फिजिक्स में 160 तुमने स्कोर किया, दैट इज रियली वेरी गुड स्कोर बच्चे। और बायो और केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तुम्हारा क्या मानना है, क्या वही सफिशिएंट है या कुछ और भी साथ में स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? सर, बायो के लिए तो मतलब अगर कोचिंग्स की मटेरियल पढ़ने से कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ गया तो वो भी कर देंगे, लेकिन एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी कोई 350 आराम से स्कोर कर सकता है। तो मतलब शुरू में मैंने कोचिंग की मटेरियल भी पढ़ी थी और एनसीईआरटी पढ़ी थी, पर लास्ट के 3 महीने में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, मल्टीपल टाइम रिविजन किया था उसे। उसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं चलता कि एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। ये इंपॉर्टेंट बात की है कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना है लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर होने के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग रहे, कंसेप्चुअली आप ज़्यादा स्ट्रांग रहे। सौरभ, बच्चों को तुमने बिल्कुल सही बातें बताई जो कि रियली में एक स्टूडेंट जो है वो फेस करता है, उसके मार्क्स में अप डाउन होते हैं, उन्हें उन चीज़ों को बहुत सही तरीके से हैंडल करना होता है, तुमने किया, तुम इस अच्छे स्कोर तक पहुँचो, इस अच्छी रैंक तक पहुँचो। आगे तुम्हारा क्या ड्रीम है, यदि तुमको यदि मैं अभी बात करूँ कि MBBS लेवल पे तुम किस कॉलेज के बारे में सोच रहे हो और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में तुम्हारा क्या प्लानिंग है? हाँ सर, मैंने पहले तो मार्क्स मुझे पहले से पता थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम्स दिल्ली मुझे मिल जाएगा, लेकिन इस बार रैंक कुछ ज़्यादा हाई हो गया पहले पिछले साल के कॉलेज, तो इस बार तो MMC मुझे मिल जाएगा। मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे और मैं न्यूरो सर्जन या फिर कार्डियो सर्जन बनना चाहता हूँ, और MBBS करते टाइम मुझे जो लगेगा जिसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा उस फील्ड की तरफ मैं जाऊँगा।
सौरभ राज, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेष। तुम लाइफ में बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और ह्यूमैनिटी के लिए तुम पूरा काम करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।